बीवियां वो लाख से ज्यादा शोहरों से मोहब्बत करती हैं। इस बात की वाहिद दलील ये है कि वो घर से जाते वक्त बच्चों को तो हमसाई के पास छोड़ के जा सकती हैं, मगर अपने शोहर को नहीं। गर्मियों में किचन में काम करती हुई खवातीन से और दोपहर की जानलेवा धूप में बाइक चला के घर आने वाले मर्द से हमेशा सोच समझ कर ही मजाक करें। मुझ मासूम को सुबह सुबह ये कहकर उठाया जाता है कि टाइम देखो क्या हो रहा है, हालांकि घर वाले सारे पढ़े लिखे हैं, खुद भी टाइम देख सकते हैं। बच्चों को स्कूल से वापस लाते वक्त मास्क हटाकर यकीन दहानी कर लें कि अपना बच्चा ही घर लेके जा रहे हैं। वजारत तालीम, जरूरी ऐलान, शादीशुदा औरतें अपनी आईडी नाम के साथ मिसेज लिखवाया करें ताकि मर्दों का कीमती वक्त और जज्बात बच सके। बहुत शुक्रिया। इल्जाम तराशी की इंतहा, आपको कब चीजें खरीदना आएंगी? अब पता नहीं ये आप कैसा आटा उठा रहे हैं, सारी की सारी रोटियां जल गई। दामाद की मोहब्बत, एक बार एक साथ अपने तीन दामादों की मोहब्बत देखने के लिए दरिया में कूद गई। एक दामाद ने बचा लिया, सास ने इसको गाड़ी तोहफे में दे दी। अगले दिन फिर कूद गई तो दूसरे दामाद ने बचा लिया, इसको मोटरसाइकिल मिली। फिर तीसरे दिन सास दोबारा कूदी तो तीसरे दामाद ने सोचा कि अब तो साइकिल ही मिलेगी, तो इसने सास को नहीं बचाया, सास मर गई। फिर भी दामाद को मर्सिडीज मिली, इस तरह ससुर ने दी। शोहर, फर्ज करो मैं तुम्हारे सिवा किसी लड़की को ना देखूं। बीवी हंसते हंसते जमीन पर गिर गई। शोहर, क्या हुआ? बीवी, मुझसे तो फर्ज भी नहीं हो रहा।